टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक बच्चों हमने क्या किया है, चैप्टर वन कंप्लीट किया है, राइट? तो चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन हमने चैप्टर कवर किया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब चैप्टर वन में रहता हो, ओके? अगर किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर यू कम अप विद योर डाउट्स, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पिछले चैप्टर में, ओके? तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स करेंगे हम। पहली बात आती है यहाँ गुड्स की। गुड्स मतलब, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दी टैंजिबल थिंग्स। टैंजिबल थिंग्स मतलब जिनको तुम छू सकते हो, जिनको तुम फील कर सकते हो। इफ आई से दिस बोर्ड इज अ गुड बिकॉज आई कैन फील इट, इट इज विजिबल टू मी एंड आई कैन टच इट, राइट? तो टैंजिबल है उसको हम कहते हैं गुड। और जो चीजें इनटैंजिबल होती है, इनटैंजिबल मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, वो होती है हमारी सर्विसेज, ओके? तो आज हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं बच्चों? आई एम राइटिंग द वर्ड हियर सो दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल कि मैम ने क्या वर्ड बोला है और कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ओके? सो टैंजिबल चीजों को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स की बात करेंगे आज हम पहले, राइट? अगर हम गुड्स की बात करें इकोनॉमिक्स में तो वी क्लासिफाई गुड्स इनटू टू बेसिक कैटेगरी, ओके? पहला गुड की कैटेगरी है फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को हम एक साथ पढ़ेंगे। सेकेंड कैटेगरी है कंजम्पशन गुड और द कैपिटल गुड्स, ओके? तो अभी सिर्फ इतना समझना है, गुड्स क्या है? टैंजिबल थिंग्स, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। तो पहले है फाइनल गुड एंड द इंटरमीडिएट गुड, एंड सेकेंड कैटेगरी में हम बात करेंगे कंजम्पशन गुड एंड द कैपिटल गुड्स, ओके? इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अब हम धीरे धीरे वन बाय वन ईच गुड्स को देखेंगे कि है क्या ये गुड्स, राइट? तो जब हम बात करते हैं फाइनल गुड, पहले हम बात करेंगे फाइनल गुड की। फाइनल गुड क्या होते हैं बच्चों? पहले डेफिनेशन सुनो, और जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दीज आर द कीवर्ड्स, ये आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए प्रेजेंट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, राइट? तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स दैट हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज, मतलब जिन गुड्स ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर ली है, जिसके अंदर अब और कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली बस अब यूज किया जाएगा, ओके? अब इस चीज को मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेन बनाना है, ओके? पेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मार्कर बनाने के लिए इसकी बॉडी चाहिए, उसके अंदर फिर मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए जो इसकी निब रहेगी, और अंदर इसकी मुझे वो इंक को होल्ड करने के लिए वो फॉर्म भी चाहिए, राइट? देयरफॉर इस चीज को बनाने के लिए मैं क्या क्या कलेक्ट करूंगी? बॉडी, राइट? फिर इसकी निप लगाऊंगी और अंदर उसके जो इंक डालने के लिए जो होती है फॉर्म, वो फिल कर दी, राइट? रेडी हो गया पेन। अब इसको मैंने बंद कर दिया, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं मुझे, अब इट इज रेडी टू यूज, राइट? बन गया है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि इसने सारी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बाउंड्री है क्रॉस कर ली है, अब कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, अब बस ये सीधा काम आएगा लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट? सो सच गुड्स जिनकी पूरी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर लिया है और वो गुड्स रेडी है यूज करने के लिए, उन गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब तैयार हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? मतलब फाइनल मतलब कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, राइट? तो फाइनल गुड मतलब अ कंप्लीट गुड जो कि सारी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुका है और अब ये कंप्लीट गुड तैयार है, बस यूज करना बाकी है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनल गुड। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, जो ये गुड है, ठीक है, जैसे हमने पेन लिया, ऐसे मैंने एग्जाम्पल में एक शर्ट लिया, राइट? जैसे एक शर्ट मैंने तैयार कर ली, तो शर्ट तैयार है, ये फाइनल गुड हुआ, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो डिजाइन करना था वो कर दिया, सब रेडी हो गया, ओके? तो इस गुड का फाइनल यूजर कौन है, कौन उसको यूज करेगा, वो भी डिपेंड करता है। उससे दो न्यू टर्म आएंगे कि वो फाइनल यूजर जो है इसको यूज करने वाले कंज्यूमर है
कि कोई प्रोड्यूसर है। ओके, तो सिमिलरली हम जब फाइनल गुड की बात करते हैं, फाइनल गुड जो कि एक जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस करके आ गया है एंड इट इज रेडी फॉर द यूज, उसको भी हम दो हिसाब से डिवाइड करेंगे। एक फाइनल कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर कौन है? मैं हूं, तुम हो, जो कोई भी गुड कंज्यूम करता है, यूज करता है, राइट। एक है प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड मतलब वो गुड जिसको कोई प्रोड्यूसर आगे अपनी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगा। ओके, तो दो तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर वो फाइनल गुड कंज्यूमर यूज करता है तो फाइनल कंज्यूमर गुड, अगर वो प्रोड्यूसर करता है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ओके, अभी कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल दूंगी, सब समझाऊंगी। ओके, तो इससे हमें पता चला जो फाइनल कंज्यूमर गुड है वो कौन परचेज करता है? कंज्यूमर परचेज करता है। और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है वो कौन परचेज करेगा, कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर खरीदेगा, राइट। और कोई भी इंसान या कोई भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी, क्यों हम चीजें खरीदते हैं, क्यों गुड खरीदते हैं? बिकॉज वी नीड टू सेटिस्फाई आवर वॉन्ट। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं मार्कर खरीद के लाऊंगी, ये मेरा गुड है, इसको मैं खरीदूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे यूज में आएगा। अगर मैं पढ़ाती हूँ, आई एम अ टीचर, आई नीड दिस मार्कर इन ऑर्डर टू राइट डाउन ऑन अ व्हाइट बोर्ड, तो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है ये मार्कर। तो देयरफॉर जितने भी लोग हैं, गुड्स क्यों बाय करते हैं बच्चों? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट, जरूरत पूरी करने के लिए, राइट। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनल कंज्यूमर गुड क्या है। वो गुड जो कि रेडी है, तैयार है, किस चीज के लिए? ताकि यूज कर सके उसके यूजर्स, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड, नाम से ही पता चल रहा है कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर्स। मैं हूं, तुम हो, कोई भी कंज्यूमर है, वो उसका फाइनल यूजर है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड और बटर डेली लाइफ में सब कंज्यूम करते हैं, व्हीट, पेन, पेंसिल, दीज आर द कंज्यूमर गुड्स, राइट। और उन्हीं को, इन गुड्स को कौन यूज करता है? कंज्यूमर्स, जिनको उनकी जरूरत है। ओके, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। इस गुड के अंदर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है तो ये भी फाइनल गुड, लेकिन ये फर्दर प्रोसेस के अंदर यूज हो सकता है प्रोडक्शन के अंदर। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, राइट। मैं क्या बनाती हूं? मार्कर बना रही थी, राइट। मार्कर बनाने के लिए जो भी मुझे मशीन चाहिए उनको मैं खरीदूंगी। वो मशीन्स क्या होंगी? मेरी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। मैं एक प्रोड्यूसर हूं क्योंकि मुझे भी कुछ गुड्स चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट माय प्रोडक्शन। तो वो गुड्स क्या कहलाती हैं? प्रोड्यूसर गुड। आपको समझ में आया? दीज आर दी गुड्स रेडी फॉर द यूज बाय द यूजर। और यहाँ यूजर कौन है? यूजर आर दी प्रोड्यूसर्स हियर, एंड प्रोड्यूसर्स आर दी फाइनल यूजर। जो कोई गुड है उसको कौन फाइनली यूज करता है, उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया। अगर वो फाइनल यूजर एक कंज्यूमर है तो फाइनल कंज्यूमर गुड, और अगर कोई प्रोड्यूसर है जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो होगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, दीज आर द गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? एक बार खर्चा कर दो उसके बाद काम आता रहेगा, राइट। जैसे मशीन है, मैंने मशीन खरीदी मार्कर बनाने के लिए, तो मशीन ये तो थोड़ना है कि मुझे हर महीने एक एक मशीन खरीदनी है, ये मेरी एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो फिक्स्ड मतलब एक बार कर दिया, हो गया, तो दिस विल बी माय फिक्स्ड एसेट। एसेट क्या होती है? पूंजी, राइट। तो फिक्स्ड एसेट है मेरी, और जो कि मुझे आगे फ्यूचर में कमिंग जो मेरी प्रोडक्शन रहेगी उसमें, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब चीज है, मशीन है ना, ये भी फार्म मशीन्स है, इनको फार्मर्स यूज करते हैं ताकि उनकी कल्टीवेशन हो सके या उनके प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, राइट। तो फार्मर्स कौन है? फार्मर्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। फार्मर्स क्या उगाते हैं? क्रॉप्स उगाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स हमारे लिए उगाते हैं, राइट। तो उनको हेल्प करने के लिए, या फार्मर क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हेल्प करने के लिए वो कौन सी प्रोड्यूसर गुड यूज करते हैं? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्योंकि किसी प्रोड्यूसर के वो काम आ रहे हैं गुड, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड।
और एक ही बार खर्चा लगेगा फार्मर का भी, फिक्स्ड एसेट हुआ उसकी ही होगी ना वो चीज, ट्रैक्टर खरीदा हार्वेस्टर खरीदा उसी की पूंजी कहलाएगी। देयरफॉर प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड दीज आर यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि गुड्स होती हैं, कुछ चीजें हैं जो जरूरत है, जो कोई कुछ चीजें ऐसी जो कंज्यूमर यूज करते हैं, कुछ ऐसी जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। अब बात आएगी खर्चा करने की, एक्सपेंडिचर करने की। वो गुड्स खरीदने भी तो पड़ते हैं ना, राइट? अगर मेरा एक्सपेंडिचर मेरा कंज्यूमर गुड्स पे है, जो कि डे टू डे लाइफ में कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी कंज्यूमर है, मैं हूं तुम हो, कोई भी बेसिक कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सिमिलरली अगर कोई प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है, किस पे करेगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर गुड्स पे, तो उस खर्चे को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प करेगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंज्यूम किया खत्म, लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे? जो आगे आने वाले टाइम में भी हेल्पफुल रहेगी। ओके, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। देयरफॉर खर्चे के हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी हम गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो कौन करेगा? हाउस होल्ड वाले करेंगे। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर अब कोई फैक्ट्री ओनर है, फर्म ओनर है, कोई भी है, राइट? देन हाउस होल्ड किसके ऊपर खर्चा करेंगे? कंज्यूमर गुड्स पे। एंड प्रोड्यूसर्स किस पे खर्चा करेंगे? प्रोड्यूसर गुड पे, राइट? इससे एक बात निकल के आती है, अगर मैं बोलूं इन एन इकोनॉमी, अगर मैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, अगर मैं फाइनल गुड के खर्चे की बात कर रही हूं, अगर मैं टोटल निकालूं तो क्या निकलेगा? खर्चा फाइनल गुड के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या होगा? कंजम्पशन पे कितना खर्च हो रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, राइट? कितना खर्चा कंज्यूमर गुड्स पे हो रहा है प्लस कितना प्रोड्यूसर गुड्स पे हो रहा है, इन दोनों को अगर मैं एड अप कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड। और इसी से हमारा ये एक फॉर्मूला निकल के आया है कि जब हम एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड की बात करते हैं, इट इज द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल गुड के ऊपर कितना टोटल खर्चा हुआ है वो हमें पता लग जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वी से फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। भाई वो इस लाइन से क्या समझते हो? तब हम बोलते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो गुड्स रेडी है यूज करने के लिए, उनके लिए हम डेफिनेशन में यूज किया था दैट दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इस लाइन से आप क्या समझते हो? इसका मतलब ये है दैट द गुड इज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब वो गुड पूरा तैयार है, प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसकी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैं मार्कर बोलती हूँ, मार्कर तैयार है, इट इज अ फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि तैयार है, बस अब यूज करना बचा है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, अब ये मार्कर है, इसके अंदर मुझे कुछ चेंज करना है और ये अभी इसके प्रोडक्शन अभी बाकी है। ओके, ये मार्कर कब फाइनल गुड नहीं कहलाएगा? जब या तो इसकी बॉडी कंप्लीट नहीं है, ओके, या इसकी निब नहीं है इसमें, तो दिस मार्कर विल बी कॉल्ड एज द गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अभी पूरा तैयार नहीं है ये। तैयार कैसे होगा? जब इसकी पूरी बॉडी कंप्लीट होगी और ये अब पूरा तैयार है बिकने के लिए, इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ओके, उसको हम बोलते हैं दैट द फाइनल गुड हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। इज क्लियर? सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक। बुक वाले एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। बुक में एग्जाम्पल दिया है एक शर्ट का, एक शर्ट जो कि तैयार है और शोरूम में आई हुई है, उसका प्राइस है 900 रुपीज। ओके, शोरूम में कपड़े लगे हुए हैं, राइट? मतलब वो जो गुड है, गुड क्या है यहाँ? शर्ट। ये जो गुड है इट इज रेडी फॉर यूज, तैयार है, अब बस इसका बिकना बचा है। द
गुड वंस इट इज सोल्ड, कंप्लीट हो गया इसका प्रोसेस, यही तो बचा है। कैसे रेडी है? क्योंकि ये स्टिच हो चुकी है, तैयार है, पूरी आयरन हो चुकी है, पैकेजिंग हो चुकी है इसकी, तो देयरफॉर इस सब को मिला के प्रोड्यूसर ने इसका प्राइस लगाए 900 रुपीज और शोरूम में लगा दी बिकने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर की। दो तरह के कंज्यूमर आ सकते हैं इस शर्ट को लेने, बात करेंगे उनकी और हम समझेंगे कि फाइनल यूजर किसे कहा जाएगा और ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है मेरा। सो कंज्यूमर की बात करें, वो जो शर्ट थी जो 900 रुपीज में शोरूम में लगी हुई है, इस शर्ट को दो जन खरीद सकते हैं। कौन? या तो कोई इंडिविजुअल जिसको जरूरत है शर्ट की, या कोई होलसेलर आएगा, मतलब जिसके आगे भी कोई दुकान है, राइट? वो यहाँ से थोक से खरीद के ले जाएगा बड़े मार्केट से और आगे आगे सामने किसी अपनी लोकल मार्केट में आके उसको बेचेगा, राइट? तो दो तरह के कंज्यूमर रहेंगे। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल की, जिसको जैसे कंज्यूमर है मैं हूँ तुम हो, जिसको शर्ट की जरूरत है, हमने खरीदी, तो वो शर्ट इज द फाइनल गुड फॉर अस। इंडिविजुअल के लिए तो फाइनल गुड है, क्यों? क्योंकि हम उसको आगे कोई बेच नहीं रहे, कोई उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, बस अपने यूज में लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू खत्म, 900 पे बात खत्म हो गई उस गुड की, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ शर्ट कोई होल सेलर खरीद के ले गया, जिसके आगे थोक की दुकान है, उसने खरीदी है ये, तो उसने क्या किया कि सपोज 900 में शर्ट खरीदी थी, 900 में बेचेगा तो कमाएगा क्या? उसने क्या किया, उसने प्लस 100 रुपीज ऐड करके उस शर्ट को 1000 रुपए में अपनी दुकान पे बेचने के लिए डाल दिया। ओके, तो अब जो कंज्यूमर है उसकी शॉप से चीजें खरीदेगा, दैट कंज्यूमर बाइंग द शर्ट एट 1000 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल यूजर। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में यहां वैल्यू एडिशन हुई है गुड के अंदर, 900 में 100 जुड़ा है, वैल्यू एड, वैल्यू बढ़ी है उसकी, राइट? तो वैल्यू एडिशन हुआ है, therefore this will not be called as final good here. Final good कहाँ कहलाएगी शर्ट? जब कोई कंज्यूमर खरीद लेगा और नो वैल्यू एडिशन होगी उसके अंदर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर जब कंज्यूमर 1000 रुपए पे खरीदेगा उसको हम फाइनल यूजर बोलेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी हम नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट लाइक GDP वगैरह हम या NDP वगैरह, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं हमारे, जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को कैलकुलेट करते टाइम हम कौन से गुड की वैल्यू लेते हैं? ओनली फाइनल गुड। फाइनल गुड मतलब जो यूज हो गए हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर है, उनके अंदर कोई वैल्यू एड नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। देयरफॉर ओनली फाइनल गुड्स आर यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं ऊपर वाला ही, अभी समझेंगे कि फाइनल गुड की ही वैल्यू क्यों लेते हैं हम। ओके, सपोज नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ओके, तो हम हर रेजिडेंट की इनकम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। तो जैसे कि इस होलसेलर ने खरीदी 900 रुपीज में खरीदी, ठीक है, 900 में इसने खरीदी और इसने आगे आके उसको 1000 रुपए में बेच दिया। ओके, अगर हम इस शर्ट को दो बार कैलकुलेट करें, एक बार 900 के टाइम पे और एक टाइम 1000 के टाइम पे, एक ही गुड को दो बार ऐड कर देना हम, तो डबल हो जाएगी काउंटिंग हमारी। लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो बीच का जो प्रोसेस है जहाँ वैल्यू ऐड हो रही होती है उसको हम नहीं कंसिडर करते, हम सिर्फ कौन सी वैल्यू को कंसिडर करते हैं जो फाइनल है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए किसी भी चीज की। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड, जो कि इस केस में होलसेलर के केस में क्या रहेगा, 1000 रुपए को ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हमने क्या पढ़ा, फाइनल गुड। ओके, इंटरमीडिएट गुड क्या है? इंटर मतलब बीच में है, राइट? सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर अभी वैल्यू एड हो सकती है, राइट? ऑल्सो उन्होंने अभी तक ये जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्रॉस नहीं किया है, प्रोसेस में ही है और अभी स्कोप है उसके अंदर वैल्यू एड हो जाए। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
ये जो गुड है इट इज नॉट रेडी फॉर यूज, अभी तक यूज करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मार्कर, इसकी कैप नहीं है अभी, अभी मैंने इसके अंदर इंक नहीं डाली है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड। वाई? एक तो अभी इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसने क्रॉस नहीं की है, पहले इंक डलेगी, कैप लगेगी, पूरा तैयार होगा, उसके बाद जो जो वैल्यू ऐड होगी, जो इंक की वैल्यू लगी है, जो मैंने इस बॉडी की वैल्यू लगेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसकी प्राइस डिसाइड करूंगी। और अभी तक इसके बिना ये अगर ऐसा है, इसको मैं ऐसे मार्केट में बेच सकती हूँ? नहीं, दिस इज नॉट रेडी फॉर यूज। देयरफॉर सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, अभी कंप्लीट नहीं हुए, यूज नहीं कर सकते, उन गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जब हम इंटरमीडिएट गुड की बात करते हैं तो वो गुड्स कोई भी फर्म या कोई भी खरीद सकता है, राइट? तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसको एज अ रॉ मटेरियल खरीदेगा कोई फर्म, या उसको बने बनाई चीज को रीसेल वैल्यू करने के लिए खरीदेगा। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगी, ठीक है? प्रोडक्शन कौन करती है? फर्म्स और द इंडस्ट्री। तो इनकी अगर बात करें तो ये जो फर्म्स हैं वो किसी भी गुड को दो हिसाब से खरीद सकती है, या तो एज अ रॉ मटेरियल, मतलब एज अ रॉ मटेरियल जो उनको चेंज करके फाइनल गुड बनाएंगे जिससे, या बने बनाए गुड को खरीद के बस रीसेल कर देंगी। ओके, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मतलब है एज रॉ मटेरियल एंड एज गुड फॉर रीसेल। अगर मैं बोलूं आई एम अ फर्म, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, मैं फर्म हूं जो शर्ट बनाती है, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? सपोज मैं कॉटन शर्ट बनाती हूँ, तो मैंने कॉटन खरीदी, दिस कॉटन विल बी माई रॉ मटेरियल, ठीक है, खरीदी, फिर मैंने अपनी फैक्ट्री में जाके इस कॉटन से आई हैड मेड दिस शर्ट, शर्ट बनाई, शर्ट बनाने के बाद मैंने इस कपड़े से स्टिच किया, अच्छे से आयरन की, पैकेजिंग की, और उसको तैयार करके शोरूम में लॉन्च कर दी, भाई ये शर्ट है, बिकने को तैयार है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ बाइंग द गुड एज रॉ मटेरियल। भाई कॉटन खरीदी थी, कॉटन को यूज करके उन्होंने एक फाइनल गुड बनाया विच इज अ शर्ट। ओके, अब आती है रीसेल की वैल्यू। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी किया था, अगर इस शर्ट को कोई होलसेलर खरीद के ले जाता है और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता है और फिर उसको बेचता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीसेल गुड। भाई बने हुए गुड को खरीद के वैल्यू ऐड करके बेच दिया, तो यहां फाइनल गुड किसको कंसिडर किया जाएगा? जब कोई फाइनल कंज्यूमर उस शर्ट को खरीद लेगा, सो दिस कंज्यूमर जिसने यहाँ होलसेलर से शर्ट खरीदी है, ही विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल कंज्यूमर, और यहाँ इस स्टेज पे आके द शर्ट विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड होनी थी अभी। देयरफॉर इस शर्ट की अगर मैं यहाँ बात करूँ होलसेलर के पास, तो ये शर्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर वैल्यू ऐड होनी थी, राइट? जब हमारे किसी गुड में वैल्यू ऐड होने का स्कोप है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, लेकिन जब ये वैल्यू ऐड होने का स्कोप खत्म हो जाता है तो वो एक फाइनल गुड बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। इस एग्जाम्पल से हमें एक और चीज समझ में आई है, क्या? कि कोई भी गुड एक टाइम पे इट कुड बी द फाइनल गुड और द इंटरमीडिएट गुड, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग कौन उसको खरीद रहा है, राइट? तो तब तक हम गुड को क्लासिफाई नहीं करते हैं एज इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड, तब तक हमें उसका फाइनल यूजर ना पता हो। फाइनल यूजर ही एक चीज है जिससे पता चलता है कि वो गुड फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनल गुड। कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड मैंने अभी पीछे भी समझाया था, जब हम नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं तो सिर्फ हम फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो टोटल, उसकी वैल्यू कहाँ के ऐड हो जाती है? फाइनली फाइनल गुड के अंदर, ठीक है?
जैसे कि 900 वाली शर्ट की बात करें, तो 900 शर्ट जब होलसेलर के पास थी तो ये एक इंटरमीडिएट गुड थी। इसके अंदर वैल्यू ऐड की उसने 100 रुपीज, और ये 1000 रुपीज में फाइनली उसने कंज्यूमर को बेची। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड का शर्ट जो है होलसेलर के पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है, राइट। उस वैल्यू में, उस इंटरमीडिएट गुड में उसने फिर से वैल्यू ऐड करी और उसको 1000 रुपये बनाया। तो इस 1000 रुपये में एक तो वैल्यू एडिशन ऐड हुई है, ऑल्सो वो जो इंटरमीडिएट गुड था, शर्ट थी, वो भी आ गई 1000 रुपये में। देयरफॉर हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू कंसिडर करते हैं, और इसलिए इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कंसिडर नहीं करते ताकि काउंटिंग हमारी डबल ना हो जाए। ओके, अवॉइड द डबलिंग ऑफ द नंबर्स और द काउंटिंग, वी अवॉइड टेकिंग द इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू। इसलिए ये लाइन बोली गई है, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनल गुड। अब बच्चों, जैसे हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे थे, इंटरमीडिएट मतलब जो प्रोसेस में है अभी प्रोडक्शन के, अब उनके ऊपर खर्चा तो एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अब एक्सपेंडिचर कौन करेगा इंटरमीडिएट गुड पे, जो कोई प्रोडक्शन कैरी आउट करेगा, राइट। कोई कुछ चीज बना रहा होगा, राइट, तो कौन बनाता है, प्रोड्यूसर। ओके, तो प्रोड्यूसर खर्चा करेंगे, तो इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है बाय प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और द इंटरमीडिएट कॉस्ट। मतलब इंटरमीडिएट गुड को कंज्यूम करने के लिए ऊपर जो खर्चा लगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या उसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चों, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन और द ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। भाई भाई, प्रोड्यूसर के पास क्या प्रोडक्ट, क्या ग्रॉस प्रोडक्ट बचता होगा, या क्या ग्रॉस वैल्यू एडिशन की है प्रोड्यूसर ने, तो इसका फॉर्मूला है तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को निकाल दें तो हमारे पास क्या, किस चीज की वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी ग्रॉस वैल्यू एडेड, भाई कितनी वैल्यू ऐड हुई है उस चीज के अंदर, राइट, या ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वैल्यू में से तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल लिया है फिर से यही वही शर्ट का, ठीक है, एग्जाम्पल चेंज नहीं करते ताकि आपको समझ में आए। शर्ट 900 रुपए की है, 900 रुपीज की है, राइट। तो इस 900 में, सपोज आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शर्ट, मैंने इस 900 का प्राइस कैसे डिसाइड किया होगा, क्यों सोच के रखा होगा कि 900 में बेचूं इसको, इसलिए रखा होगा, या मेरा ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरा इधर शर्ट में क्या रहेगा, कि इसमें से अगर मैं टोटल वैल्यू में से अगर मैं अपने रॉ मटेरियल, जितना मेरा खर्चा लगा इंटरमीडिएट गुड्स पे, आयरन करने में, पैकेजिंग करने में, स्टिचिंग करने में, ट्रांसपोर्ट का मिला के सपोज मेरा 600 रुपीज आता है, अगर मैं 900 में से ये 600 को माइनस कर दूं तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू एडिशन कितनी हुई है शर्ट पे, 300 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस वैल्यू एडिशन और द ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। फिर बात आती है कि गुड को हमने कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर, भाई एंड यूज कौन कर रहा है, फाइनली उस गुड को कौन यूज कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर कौन है उसका, राइट, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। क्यों एंड गेम पे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अ गुड कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड और द सेम गुड कैन बी द फाइनल गुड, डिपेंडिंग हु इज द फाइनल कंज्यूमर। तो इसलिए मैटर ऑफ एंड यूजर ऑफ द गुड इज अ प्रिंसिपल बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एंड यूज के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं गुड्स को, कि वो गुड एक फाइनल गुड होगा कि वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कर रहे थे, हमने फर्स्ट पार्ट किया था फाइनल और इंटरमीडिएट, और सेकेंड जो डिविजन थी भाई वो कंजम्पशन गुड होगा कि कंज्यूमर गुड होगा, इस बेसिस पे है। ओके, अब वो वाली कैटेगरी देखेंगे। अब कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, वो गुड्स जो डायरेक्टली किसी की नीड को या ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हो,
ओके भाई, जो इमीडिएट हमारी जो वांट को सेटिस्फाई करें उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। सपोज मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, आई गो एंड बाय आइसक्रीम, दैट आइसक्रीम विल बी माय कंज्यूमर गुड। क्यों? क्योंकि उसने मेरी जो नीड थी, जो वांट थी, उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई किया है। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन गुड और द कंज्यूमर गुड, वी डिवाइड द गुड्स इनटू फोर बेसिक कैटेगरी। ओके, सबसे पहली बात होगी ड्यूरेबल गुड्स की, सेकेंड वी हैव द सेमी ड्यूरेबल, फिर आ गई नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज, एंड लास्टली द सर्विसेज। ओके गाइस, बहुत ही बेसिक गुड्स हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा कि बेसिक इंग्लिश वर्ड्स हैं, इन्हीं को बस डिकोड करना है, वो आपके ये गुड्स बता देंगे कौन से गुड हैं। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट आर दिस गुड्स। सो नंबर वन इज ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल मतलब जो काफी सालों तक चल जाएगी, राइट? सो दीज आर द गुड्स यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक यूज कर सकते हैं, और इन गुड्स की थोड़ी हाई वैल्यू रहती है कंपेरेटिवली अदर गुड्स। ओके, थोड़ा से वैल्यू प्राइस ज्यादा है, और ये वाले गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर टीवी, कार, वॉशिंग मशीन एंड मेनी अदर गुड्स यू हैव इन योर डे टू डे लाइफ विच आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, फिर कई सालों तक आप उसको यूज कर सकते हो, देयरफॉर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड। देन वी हैव सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी मतलब भाई ड्यूरेबल नहीं है पर कुछ हद तक, राइट? मतलब ये ऐसे गुड हैं जो कि फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल, या 1 साल से कुछ ज्यादा, फॉर से 1.5 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर्स तक यूज करे जा सकते हो, उन गुड्स को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। क्यों सेमी? क्योंकि अगर ये ड्यूरेबल होते तो कई सालों तक यूज होते, लेकिन कुछ सालों तक यूज हो रहे हैं तो सेमी ड्यूरेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, योर क्लोथ्स, द क्रॉकरी, द इलेक्ट्रिक गुड्स एंड मेनी अदर गुड्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, यू हैव बिन यूजिंग देम फॉर लाइक 1 ईयर और लाइक मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स, दोज गुड्स आर कॉल्ड द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आई होप इट इज क्लियर। देन वी हैव द नॉन ड्यूरेबल और द सिंगल यूज गुड। मतलब नॉन ड्यूरेबल मतलब चलेगा ही नहीं, एक बार यूज करोगे खत्म। सो सिंगल यूज गुड को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड, जैसे कि ऑल आर ईटेबल्स, कुछ भी खाने का सामान ले लो, ऐसा थोड़ा है ना खाना खा लिया वो काफी टाइम तक चलता रहेगा, ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद लंच करना पड़ेगा, राइट? सो ईटेबल्स आर दी सिंगल यूज गुड, इंक, मिल्क, पेट्रोल, डीजल एंड मेनी अदर थिंग्स जो सिर्फ सिंगल टाइम, 1 टाइम यूज होती हो, उनको हम बोलेंगे सिंगल यूज या नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन वी हैव दी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है, मैंने आपको बताया था, सर्विसेज आर दी नॉन मटीरियल गुड्स, आर दी इनटेंजिबल गुड्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, राइट? जिनको हम देख नहीं सकते। तो अनदर टाइप ऑफ गुड इज सर्विसेज, दीज आर दी नॉन मटीरियल गुड्स, आर दी इनटेंजिबल जिनको टच नहीं किया जा सकता, उनको हम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आपको गेन हो रही है नॉलेज, बट यू कांट टच दिस नॉलेज, यू कांट सी दिस नॉलेज, राइट? सो टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली वी हैव मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज दैट वी कैनॉट टच, बट वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग दैट थिंग, राइट? अगर मैं बोलूं मैं ट्यूशन दे रही हूँ आप लोगों को, तो ट्यूशन दिखाई दे रही है, आप टच कर सकते हो? नहीं, इट्स जस्ट यू कैन जस्ट यू यू आर यूजिंग इट, यू कैन फील इट, आप महसूस कर सकते हो कि यू आर गेनिंग द नॉलेज, आप पढ़ रहे हो, राइट? लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते, देयरफॉर इनटेंजिबल है। जो नॉन मटेरियल या इनटेंजिबल गुड्स होंगी उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। देन वी हैव द कैपिटल गुड्स। कैपिटल मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कैपिटल इज यूज हियर फॉर द टर्म ऑफ मनी, राइट? ज्यादा पैसे वाले गुड्स जो होंगे, महंगे गुड्स जो होंगे, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे। ओके, सो कैपिटल गुड्स की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब एक बार खर्चा कर दिया उसके बाद उनकी वो पूंजी बन जाती है, राइट? ऑल्सो दीज गुड्स आर कंटिन्यूसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। एक बार खर्चा कर दिया, मशीन खरीद ली, लेकिन उस मशीन को क्या तुम एक बार के लिए यूज करोगे? नहीं, यू विल बी यूजिंग इट फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
दीज आर दी गुड्स विच हैव हाई वैल्यू. ये याद रखना बच्चों, हाई वैल्यू होती है कैपिटल गुड्स की. ओके, बहुत महंगे होते हैं, राइट. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल गुड इज दी डेप्रिसिएशन. ये कई बार क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है, और इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन कर लेना, राइट. डेप्रिसिएशन क्या होते हैं बच्चों? जब हम कोई चीज है, कोई हमारे फिक्स्ड एसेट है, सपोज मैंने एक मशीन खरीदी अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, उस मशीन को मैं यूज कर रही हूँ, पहले साल चलो ठीक निकल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे उसके अंदर तेल भी डालना पड़ेगा, उसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी ताकि वो कई सालों तक चले, राइट. सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज. यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. कैसे? अब एग्जाम्पल है, कोई नई मशीन मैंने ली आज, ओके, अगर मैं उसको अगले महीने उसको बेचने निकालू, जितने पैसे मिली थी उतने में बिकेगी? नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है उसके अंदर. व्हाई? क्योंकि इसके अंदर वियर एंड टियर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है. यूज करते हैं उस चीज को, तो यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कम होगा, राइट. तो उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. इट इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द यूज. एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी. अगेन मैं बोलती हूं कि आई एम अ फार्मर, मैंने ट्रैक्टर और फार्म मशीनरीज ली है, ओके. अब ले ली है मैंने, अब मैं उनको यूज कर रही हूँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ माई क्रॉप्स, उन फसलों को पैदा करने के लिए यूज करती हूँ, राइट. तो उस मशीन की वैल्यू गिर जाएगी. क्यों? क्योंकि वो यूज में है. यूज में है तो कुछ नुकसान हो भी सकता है, कभी ब्रेक डाउन हो गया, कभी कुछ और तेल की कमी पड़ गई, तो ये सब वैल्यू एड ऑन होती रहती है, राइट. किसी भी चीज को यूज करेंगे तो उसकी लॉस ऑफ वैल्यू हो जाती है. लॉस ऑफ वैल्यू मीन्स डेप्रिसिएशन. देयरफॉर कैपिटल गुड्स क्या है? These are the fixed assets, are used in the process of production for several years, have high value, and most importantly, depreciation is involved in this type of good. जब फिर हम बात करते हैं गुड्स की, तो जो कैपिटल गुड्स हैं, दो तरीके के गुड्स लेगा कोई भी प्रोड्यूसर, राइट. या तो वो अपने पुराना जो कैपिटल स्टॉक है उसको रिप्लेस करेगा, राइट. जैसे अगर मैं बोलूं मेरी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा, तो आई नीड टू बाय दी न्यू मशीन जिससे मेरे ज्यादा आउटपुट निकले. मतलब या तो मैं उस पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए ये गुड खरीदूंगी, या फिर मेरे पास मशीन पिछली भी ठीक है और मैं अपनी, और मुझे दिखा मेरा काम बढ़ रहा है तो मैं एडिशन करूंगी इन माई कैपिटल स्टॉक. भाई मेरा काम बढ़ रहा है, एक मशीन से काम नहीं चल रहा, मुझे और मशीन चाहिए, राइट. ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, या तो मतलब मैं इन गुड्स को, कैपिटल गुड्स को कोई भी प्रोड्यूसर या तो रिप्लेसमेंट के लिए यूज करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड कैपिटल स्टॉक, और इट इज द एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक. ओके, या तो एडिशन होगा या रिप्लेसमेंट के लिए यूज करेगा, राइट. अब एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. कैपिटल गुड्स की तब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला मशीन, मशीन इज अ कैपिटल गुड. क्यों? क्योंकि एक फिक्स एसेट है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मशीन की हाई वैल्यू है, तो देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड. ओके, लेकिन वही अगर मैं बात करूं नट्स एंड बोल्ट, जो जितने भी पेच, छोटे छोटे पेच लगे हुए हैं मशीन में, क्या वो कैपिटल गुड कहलाएंगे? आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? दे हैव लो वैल्यू. तो देयरफॉर कैपिटल गुड का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The good should be of high value. Okay. A very important question जो आता ही आता है guys, चाहे 1 marker में आए चाहे 3 marker में आए ये statement. Okay. ध्यान से सुनना. Let all capital goods are producer goods. जितनी भी capital goods होती हैं वो किसकी good है? Producer good. क्यों? क्योंकि production process में use होती है, right? लेकिन सारी जो producer goods हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती. ओके, अब आप हम समझेंगे एग्जाम्पल से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इसके बाद मेक श्योर यू गिव अ रीडिंग इन योर बुक इटसेल्फ, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. कोई डाउट आती है देन फील फ्री टू कम अप विद योर डाउट्स. जैसे कि हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड. ओके, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे,
जिन गुड से कुछ ना कुछ बन के तैयार होगा, राइट? तो तब हम प्रोड्यूसर गुड की बात करते हैं बच्चों। तो प्रोड्यूसर गुड के अंदर भी दो तरह की गुड आएंगे, ठीक है? एक तो रॉ मटेरियल, जो उनको कच्चा सामान चाहिए, जो बनाएंगे फाइनल, उसको चेंज करके एक फाइनल गुड बनाएंगे। और दूसरा है फिक्स्ड एसेट, जो उनके पास, जो उनकी पूंजी है, जो उन्होंने लगाई हुई है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे शर्ट बनानी थी, आई एम अ फैक्ट्री ओनर जो शर्ट बनाता है। ओके, शर्ट बनाने के लिए मुझे कपड़ा भी चाहिए, क्लोथ, तभी तो शर्ट बनेगी। क्लोथ के साथ साथ मुझे मशीन भी चाहिए, क्योंकि मुझे उसको स्टिच करना है, कपड़े को काटना है, स्टिच करना है, आयरन करनी है, पैकेजिंग करनी है, तैयार करके शोरूम पहुंचाना है, राइट? देयरफोर क्लोथ क्या है मेरा? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब कुछ समय तक चलेगा, राइट? वेयर एज मशीन, मशीन क्या है मेरी? ड्यूरेबल, काफी कई सालों तक यूज होगी ना मेरी। नॉन ड्यूरेबल क्यों? एक बार कपड़ा कट गया, शर्ट के लिए बन गया, कपड़ा खत्म, कपड़े का यूज खत्म, देयरफॉर नॉन ड्यूरेबल। लेकिन मशीन, मशीन खाली मेरी यही वाली शर्ट थोड़ा बनाएगी, बहुत हजारों शर्ट बनाऊंगी मैं इस मशीन से, और एक बार नहीं कई बार मशीन को यूज करूंगी, देयरफॉर मशीन मेरी ड्यूरेबल गुड है। तो क्लोथ प्लस मशीन मेरे को चाहिए शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली हर प्रोड्यूसर गुड, दो टाइप के गुड उसको चाहिए होते हैं, एक रॉ मटेरियल और एक फिक्स्ड एसेट। ओके, तभी ये स्टेटमेंट बोली हुई है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, महंगे गुड्स हैं, फिक्स्ड एसेट है, जिनकी हाई वैल्यू है, वो किसके गुड है? प्रोड्यूसर के गुड है। लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स, सारे जितने प्रोड्यूसर गुड्स हैं, वो सब कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन गुड्स के अंदर क्या पता रॉ मटेरियल हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, जो मशीन है वो क्या है? कैपिटल गुड। लेकिन जो नट और बोल्ट थे उसके अंदर, वो जो छोटे छोटे नट लगते हैं उसके अंदर बंद करने के लिए, मशीन को जोड़ने के लिए, वो नट एंड बोल्ट इज नॉट अ कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि उनकी हाई वैल्यू नहीं है, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट विल बी पोस्टेड टुमोरो।